कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है यानी जो वीडियो बनेगा वो जीआईएस शीट से जो डक बनाते हम लोग, यानी डबल के लिए कितना बढ़ाना पड़ता है और सिंगल के लिए कितना, और एक छोटा सा डक बना के भी दिखाएगा जीआई का स्टेट डक, तो आप उस पर भी ध्यान से देखना। तो जो पीआई का, तो जितना भी वीडियो है सब पीआई के ऊपर है, बस एक खाली जीआई का जो टोपी बनाया था वो है। तो सोचा अब जीआई का मौका है दिखाने का, तो डबल सिंगल कैसा बढ़ाता है और गेज बाई गेज कितना बढ़ाना पड़ता है वो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है, यानी जो नया है उसके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा। तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए, नजर आ रहा है तो 26 गेज का दोस्तों, और इसके बाद 24 गेज, 22 गेज, और बस इतना है, फिर 20 गेज गेज। तो इसके लिए डबल का जो है, ये तीनों का डबल के लिए बढ़ाना पड़ेगा 25 mm, यानी इसका गेज का जो थिकनेस है वो कम रहता है, और जो 20 और 18 गए हैं उसमें 30 mm का बढ़ाना पड़ेगा डबल के लिए, क्योंकि इसका थिकनेस ना, सीट का मोटाई जो है वो मोटा रहता है, इसके लिए लाजिम 30 mm का लेना पड़ेगा। और इसका सिंगल का आएगा, ये डबल है, 8 mm, और इसका सिंगल का आएगा यानी 5 या 6 mm आ जाएगा, सही है, 5 भी रख सकते हो 6 भी रख सकते हो। तो अभी चलो हम लोग डक जो है ना वो करके बताते हैं, डबल कैसा मोड़ते हैं या डबल के लिए कितना मोड़ना पड़ेगा, किधर से मोड़ना पड़ेगा। ओके, तो अपना इसका लेंथ रखेंगे, इसका डक का साइज बता देता हूँ मैं, 200x100 mm इसका लेंथ होएगा, 150 mm। तो 150 mm लेंथ में अगर एस प्लस सी डक है तो 175 मैंने ऑलरेडी काट दिया, लेकिन 25 mm एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस 25, तो टोटल आएगा 175 mm है। तो जैसे मार्किंग करेंगे तो 200 है, तो सिंगल का इस पहले लेगा तो 205 mm, फिर यहाँ से 100 mm, फिर यहाँ से 200, फिर लास्ट वाला जो पीस बचेगा 100 mm साइज है, तो 25 mm डबल हम लोग बढ़ाएगा, तो 25, ये एक ही पीस में बन रहा है, वन पीस में 4 फासे में बनेगा, दो सौ सौ, इसमें डबल का बढ़ा दिया, इधर सिंगल का बढ़ा दिया, तो काट देंगे। दोस्तों अगर आपको 25 mm बढ़ाना है तो जब डबल के लिए मोड़ेंगे 25 mm का, इसका तीन हिस्सा कर लेना है, तीन हिस्सा यानी 8 8 16 3 8 24, तो 1 mm का इधर उधर हो रहा है तो 8 प्लस कर देगा थोड़ा सा, तीन हिस्सा करके फिर इसको दो हिस्सा सबसे पहले मानना है, यानी 16.5 कर सकते हो mm, इसका ये मैं मारा ऑलरेडी 16.5, तो इसको एस प्लस सी वाला डक बनाया तो उस पर खांच भी काट देगा हम लोग, ये सिंगल के लिए है तो छोड़ा आएगा, ऐसा खांच आएगा दोस्तों, थोड़ा टेढ़ा करना है। ये जो मैंने मारा ये 10 mm है, को ऐसा दे देना है, और इस तरफ 1 इंच वाला जो 25 mm का एक्स्ट्रा लिया इसका मानना पड़ेगा, सीधा भी काट सकते हो, लेकिन जब ज्वाइन करेंगे ना एक दूसरे को ढक के तो तकलीफ हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा ही काटेगा सही है। ये ढक के ऊपर वाला है, मैं साइज लिख देता हूँ, 150,
ये डक के ऊपर वाला, क्यों जो डक का ऊपर हिस्सा ना वहाँ से हम लोग को 16 में मारना है, 16 प्लस थोड़ा ऐसा डबल के लिए, फिर इसको ऐसे मोड़ देना है। ये जो 16 का है ना इसका हाफ ले लेना है ऐसा, ध्यान से देखना दोस्तों तभी सीख पाएंगे आप लोग। इसको उल्टा करके ऐसा मोड़ देना है और जो आखिर है ना आखिर, इसका आखिर में किनारे पे ऐसा ले लेना है। फिर इस तरफ से ये देखिए कितना अच्छा डबल निकल गया। इसको खोल देता हूँ थोड़ा मैं, अब ये सिंगल जाएगा इसके अंदर, अब इसका सिंगल भी कर लूंगा। सिंगल निकल गया, अब इसका सी पट्टी के लिए वो मोड़ देते हैं हम लोग। ये 10 mm का मोड़ा हुआ है, मोड़ना पड़ेगा 10 mm। पूरा नहीं दबाना है इसको, थोड़ा गैप छोड़ना है। ये रेडी है, अभी इसको फोल्ड कर देगा। बहुत ही पतला सीट है दोस्तों हम लोग का, ये जो बोलना जरूरी था। बहुत ही पतला सीट है, एल्यूमिनियम का है। अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो फोल्डिंग से हो जाएगा ऐसा, फोल्डिंग वाला एक मशीन मिलता है, हम लोग हाथ से ही कर रहे हैं। ये देखिए आपको बन गया, अब इसको जो डबल सिंगल किया इसके अंदर डाल देना है और बड़े आराम से इसे ठोक देना है। बहुत ही नाजुक सीट है, एस पट्टी सी पट्टी जो जॉइंट है, इधर एस पट्टी रहेगा तो सी पट्टी से एक दूसरे के डक से जॉइंट हो जाएगा। अपने पास सी पट्टी था, दिखाता हूँ, यह है सी पट्टी और यह आधा मुड़ा हुआ है तो आधा एक के साथ, ये देखिए आधा चला गया, आधा इसमें है और आधा ऐसे सेम दूसरे डक में जाके ये जॉइंट हो जाएगा और फिर ये इधर मोड़ देंगे। तो दोस्तों किसी दिन ये डक कैसे ज्वाइन करता है वो भी दिखाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों ये पीस एक बार फिर देख लेते, बॉटल कहाँ से आ गई, सही है ना, इसका साइज चेक कर लो, 200 बाई 100 जो बताया था।